देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं हूं अपने गांव के पनघट पर और सुबह के 7:42 हो रहे हैं और आज हम जा रहे हैं एक यात्रा पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में और आज हम कर रहे हैं यात्रा अपने गाँव से यानी कि मैठाणा घाट से और काशीपुर की। तो चलिए आप भी हमारे साथ, और ये थैले भी रखे हैं हमने, कुछ थैले पीछे से आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं काशीपुर रामनगर। सड़क मार्ग से हमारा गांव लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रोड तक पहुंचने के लिए हमें ये पैदल रास्ता अभी तय करना होगा और लगभग 20 या 25 मिनट में हम इस रास्ते को तय कर लेंगे। मैंने इस समय अपने कंधे में एक थैला रखा है और पिताजी कह रहे हैं कि वो थैला मुझे दे दो, लेकिन मैं उन्हें नहीं दे सकता हूं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक पिट्ठू बैग पहले से ही है और उनकी क्रियाशीलता ही हमारे जीवन का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। एक थैले को रखने के लिए माँ पहले ही जा चुकी है और माँ उसको आधे रास्ते में रख करके आ जाएगी। ठीक है फिर, हाँ अच्छा पढ़ना गाम हमने रे तो फोन करूँ तब पहुँच। हो माँ अब आधे रास्ते से वापस आ चुकी है और हम रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है हमारे गांव का एक हिस्सा जिसे कि हम चौंडी कहते हैं और यहाँ पर अभी धूप नहीं आई है और यहाँ पर काफ़ी लेट में धूप पहुँचती है और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यहाँ तक हमने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है और यहाँ पर बिजली के दो बड़े खंभे हैं तो यहाँ पर अधिकांश लोग रुकते हैं और अब हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के स्टेशन जिसका नाम है सिरोली। सिरोली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 पर स्थित है और ये हमारे गांव के कुछ भाई बंधु प्रकाश भाई और नीरज भाई, वो आज सियोंसी जा रहे हैं तो उनकी बस तो आ चुकी है और ये बस रामनगर से थलीसैंण तक जाएगी और ये उसमें बैठ चुके हैं, लेकिन अभी हमें अपनी बस का इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा। टॉमी, टोनी, 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 आजा। यूँ तो हमारे गांव खिदोटिया जाने के लिए कई स्टेशन हैं, कोठिला है, ढुलकोली है और दीवा का बैंड है, लेकिन अधिकांश लोग सिरोली में ही उतरते हैं। राम राम, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक छा तुम? कुशल मंगल, दौड़ का स्पर्धक। तो ये हमारा जनरल स्टोर। ये सिरोली के श्री अर्जुन सिंह सजवाण जी का जनरल स्टोर है और डेली नीड का सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध होता है और ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ये है मैठाणा गांव। काफ़ी सुंदर गांव है ये और अब हमारी बस भी उस गांव के ठीक नीचे रोड में हमारी ओर बढ़ रही है तो कुछ ही देर में ये बस सिरोली में पहुँच जाएगी। आत्मनिर्भर है आत्मनिर्भर भारत। सिरोली नामक जगह पर प्राकृतिक जल की व्यवस्था भी है और यहाँ पर एक नहर भी आती है और यहाँ पर एक हैंडपंप भी लगाया गया है सरकार के द्वारा जिससे कि लोगों को जल की आपूर्ति सुचारू ढंग से की जा सके। तो हम यहाँ पर पानी पी करके और उसी के बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं काशीपुर के लिए। संजय भाई आर्मी के रिटायर्ड पर्सन हैं और वो भी एक थैला रखने के लिए आए हैं यहाँ क्योंकि उनका परिवार काशीपुर में रहता है और ये हैं हमारे थैले। 2, 3, 4, 5 अरे को है भैया थैला टाइट बांध दे, टाइट खुलन नीचे तो गाड़ी में भाई पहले।
तो दोस्तों अब हम हो चुके हैं काशीपुर के लिए तैयार और अब हम जा रहे हैं काशीपुर। बस आने वाली है थोड़ी देर में। ठीक, क्या थे देख लो भीतर जगह कत गए। तो भाई ये आ गई हमारी गाड़ी रामनगर रामनगर रामनगर। ये तो पैसे डाला था अंदर मैं पकड़ गया थी। ये था ही डाला पैसे नहीं था भीतर लीजिए। खड़म ठीक रहने रामनगर। चलो ठीक से बताए ना। अच्छा फिर प्रणाम ठीक से बाहर थे। ओके संजय भाई सारा सामान हम गाड़ी की डिक्की में रख चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं रामनगर की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं कोठिला नामक जगह पर और ये उतर रहे हैं और कुछ लोग फिर बस में चढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से अभी बस में भीड़ कम है और काफ़ी कम लोग बैठे हैं बस में इस समय। बस के पायलट हैं धौलियाना गांव के आदरणीय मनोज भाई जी और 20 वर्ष से भी अधिक का अनुभव गाड़ी चलाने का। पहाड़ी भागों में ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि यहाँ की संकरी सड़कों पर गाड़ी को ले जाना उसको क्रॉस करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। यह रोड एक सिंगल लेन वाली रोड है और यदि दूसरी तरफ से कोई वाहन आता है तो दोनों को क्रॉस करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और कई वाहनों को बैक करके पीछे ले जाना पड़ता है और तब जाके क्रॉस किया जाता है एक दूसरे को। और हम लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और ये बाहर का प्राकृतिक दृश्य और रोड की स्थिति भी कोई संतुष्टिजनक नहीं है। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं और ये देखिए ये एक वाहन यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रखा है और उसको रिपेयर किया जा रहा है। बांजबुरांस के घने जंगलों से होते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यह है दीवा डांड का जंगल और अब हम पहुंच चुके हैं छोटी दीवा में। दीदी नमस्कार। नमस्कार। ठीक चाहो तुम? हाँ तुम ठीक है? हाँ दीदी दे दिया ठाकुर। हाँ देव जरा मीठा भी देव। ओम जयंती मंगला गाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाष्टि भरात्रि स्वाहा स्वरा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार देहारणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमस्तु ते। क्या जी क्या सब बढ़िया सब बढ़िया यार। लगाओ लगाओ खूब लगाओ। देवी भगवती तुम तो सद्बुद्धि दिया ज्ञान दिया शांति रखे घर गुण गुण बुठियार सब कुशल मंगल रखे। सड़क से ऊपर की तरफ जो हमें मंदिर दिखाई दे रहा है वह दीवा माता का मंदिर है और यहाँ पर लोग श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष आते रहते हैं। दीवा देवी का मुख्य मंदिर सड़क मार्ग से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जो पैदल रास्ता ऊपर घने जंगल की ओर जा रहा है यह बड़े मंदिर की ओर जाता है। तो दोस्तों इस समय हम रुक रखे हैं थोड़ी देर के लिए दीवा में और ये है छोटी दीवा जिसको कि हम गढ़वाली में कहते हैं नन्ही दीवा। आने वाली और जाने वाली जितनी भी बसें होती हैं वो यहाँ पर रुकती हैं और दीवा माँ का आशीर्वाद लेके फिर आगे की यात्रा शुरू करती हैं। तो अब हम चलते हैं और यह है इस नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा बैंड। छह महीने से भी अधिक के लॉकडाउन के बाद अब बसों को चलाने की अनुमति दे दी गई है सरकार के द्वारा
लेकिन आप देख सकते हैं कि बसों में अभी भी केवल एक या दो यात्री ही बैठ रखे हैं और ये बसें इस समय रामनगर से थलीसैंण के लिए आ रही हैं। और दीवा के घने जंगल को क्रॉस करके अब हम पहुंच चुके हैं राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट के ठीक सामने, और ये है राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल। धुमाकोट में धुमा देवी का एक विशाल मंदिर स्थित है और धुमा देवी के नाम से ही इस जगह का नाम धुमाकोट पड़ा। बांज बुरांस और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ यह स्थान काफ़ी रमणीय और सुंदर है। धुमाकोट एक व्यस्ततम बाजार है और यहां से कई जगहों के लिए सड़कें जाती हैं और इन सड़कों पर वाहनों का नियमित रूप से संचालन होता रहता है। इस जगह से टकोली खाल, रिखणी खाल, कोट द्वार, हल्दू खाल, नैनी डांडा, रामनगर, गौली खाल, बीरों खाल, थलीसैंण आदि जगहों के लिए निरंतर बस सेवा संचालित होती रहती हैं। इस राष्ट्रीय मार्ग पर आजकल सड़क सुधारीकरण का कार्य प्रगति पर है। पूरी सड़क की स्थिति खस्ताहाल हो रखी है जिससे वाहनों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी अधिक समय लग जाता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं जड़ाऊ खांद, और ये जड़ाऊ खांद की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है और ये है जड़ाऊ खांद बाज़ार। इस पर मैं एक ब्लॉग पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जड़ाऊ खांद के छोले फेमस हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने यहाँ पर छोले नहीं खाए क्योंकि कोरोना का डर सभी जगह मौजूद है अभी भी। तो मैंने यहाँ से एक ठंडे की बोतल ली और हम यहाँ से चल पड़े हैं आगे की ओर। और अब हमारा अगला स्टेशन होगा अदाली खाल। अदाली खाल एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर भी काफ़ी दुकानें हैं और रोज़मर्रा का सामान गाँव के लोगों को इसी बाज़ार से प्राप्त होता है। कुछ ही देर में हम खिरड़ी खाल पहुंचने वाले हैं। आगे से एक डंपर आ रहा है भारी सा, इसलिए हमारे ड्राइवर साहब ने यहाँ पर गाड़ी रोक रखी है और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं खिरड़ी खाल बाजार में। खिरड़ी खाल बाजार एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर भी कई गांवों के लोग अपना रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए आते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी रोड की स्थिति बहुत बुरी हो रखी है। और अब हम खिरड़ी खाल से आगे के लिए बढ़ रहे हैं और अब हमारा जो अगला स्टेशन होगा वो होगा सल्ड महादेव। अब इस समय हम पहुँच चुके हैं सल्ड महादेव में। सल्ड महादेव नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है और यह एक सुंदर जगह है। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी है और दूर दूर गांव से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। आईटीआई करने के लिए भी कई छात्र छात्राएं हर साल यहाँ आते हैं। सल्ड महादेव में एक प्राचीन शिवालय बना हुआ है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में हमें प्राप्त होता है। यह शिवालय देवलगढ़ और पाडली नदी के संगम तट पर बना हुआ है। पहाड़ की गाड़ियों में बैठने का यही फायदा होता है कि इनमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होती है और यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर गाड़ी रुक रखी है आराम से। बस में बैठने वाले कुछ यात्री गाड़ी की डिक्की में अपना सामान रख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर बस रुकी हुई है। और अब हम पहुँच चुके हैं शंकरपुर नामक कस्बे में। यह भी नेशनल हाईवे 121 पर स्थित है और आने जाने वाले जितने भी यात्री वाहन रहते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर यात्री वाहनों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी
उपलब्ध है। अभी तक हम जितना सफ़र तय करके आ चुके हैं वो सब हमने पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही तय किया और अब हम पहुंचने वाले हैं कुमाऊं के क्षेत्र में। और ये जो भैरवगढ़ ढाबा है यहाँ से आगे के लिए अल्मोड़ा की सीमा शुरू होती है, तो अब हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं कुमाऊं मंडल में और अल्मोड़ा जनपद में। तो यह एक सीमा रेखा है जिसे कि हम अंग्रेजी में बॉर्डर भी कह सकते हैं गढ़वाल और कुमाऊं का। यहाँ तक की सीमा धुमाकोट थाने के अंतर्गत आती है और अब यहाँ से आगे की सीमा आएगी सल्ट थाने के अंतर्गत। और यह है मरचूला पहुँचने से पहले के प्राकृतिक दृश्य और घने जंगल। यहाँ पर हर साल भूस्खलन होता है और मरचूला और शंकरपुर के बीच में कई दिनों तक यात्री वाहन रुके रहते हैं और बरसात के मौसम में यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब हम पहुँच चुके हैं मरचूला नामक स्थान में। मरचूला रामगंगा के किनारे पर स्थित एक कस्बा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ढाबे है क्योंकि ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक केंद्र है और दोनों ही क्षेत्रों की गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं और दोपहर का भोजन करती हैं। यात्रियों के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पीने का पानी, शौचालय आदि की सुविधा यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ से आगे का पूरा क्षेत्र जिम कार्बेट पार्क के अंतर्गत आता है और अब हम जो भी आगे की यात्रा करेंगे रामनगर तक वह जिम कार्बेट पार्क के अंतर्गत ही करेंगे। और ये है मरचूला का प्रसिद्ध पुल जो कि रामगंगा नदी पर बना हुआ है। अब तक हम उच्च पर्वतीय भागों में बांज, बुरांस और चीड़ देवदार के जंगलों के साथ यात्रा कर रहे थे और अब हम तराई वाले क्षेत्र में आ चुके हैं, तो यहाँ शाल, सीसम और सागौन के जैसे वृक्ष हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और गर्मी भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, और अब हम पहुंच चुके हैं जिम कार्बेट पार्क में और अभी हम हैं इस जगह में। इस जगह का नाम है मोहान और मोहान में गाड़ियों का एक लंबा सा जाम लग रखा है क्योंकि यहां पर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री TSR जी आ रखे हैं, तो वो आ रखे हैं धनगढ़ी में और उनकी वजह से यहां पर लग रखा है जाम। और हम उतर रखे हैं गाड़ी से और गाड़ियों का पूरा एक रेला रुक रखा है सड़क में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जंगल की तरफ जाऊं। और ये है आपका जिम कार्बेट पार्क, तो मैं यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ऊपर जंगल की ओर आ रखा हूँ और अब हम थोड़ी ही देर में बढ़ेंगे रामनगर के लिए। वाहनों का बड़ा भारी जाम लगने के कारण हमें मोहन नामक जगह पर काफ़ी देर रुकना पड़ा और हम इंतज़ार करते रहे कि कब ये जाम खुलेगा और कब हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। साहब जिम कार्बेट पार्क को ठंड पानी। बस में बैठे बैठे हम काफ़ी थक चुके हैं और अब यहाँ पर हमें थोड़ा मौका मिला है बस से उतरने का। गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं तो हम यहाँ से बाहर आए और यहाँ पर एक नहर आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है लेकिन शायद कोशी नदी से आ रही होगी। तो हम यहाँ पर अभी हाथ मुँह धो रहे हैं और पानी बहुत अच्छा और ठंडा हो रखा है क्योंकि ये नेचुरल वाटर है। जिम कार्बेट पार्क एक विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है और हर साल यहाँ विदेशों से और भारत से सैकड़ों लाखों सैलानी यात्रा करने के लिए आते हैं और इन जंगलों में रहते हैं और यहाँ के पारिस्थितिकीय तंत्र और जंगली जानवरों से मिलने का उन्हें मौका मिलता है।
रामनगर से आने वाली सड़क मोहन नामक स्थान पर आकर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक पौड़ी गढ़वाल के लिए जाती है और जो दूसरी रोड है वह रानीखेत के लिए कट जाती है। यहाँ से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ टूरिस्ट लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं, इसलिए सरकार ने भी रोड की व्यवस्था अच्छी कर रखी है। और ये है धनगढ़ी नामक एक प्रसिद्ध जगह, जहाँ की हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ आती है और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राज्य सरकार से लोगों की कई वर्षों से यह मांग है कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना दिया जाए, जिससे कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। लेकिन अभी यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है, ना ही धरातल पर और ना ही फाइलों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहाड़ों की संस्कृति से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय देव।